जोरदार तालियां एक बार। विरूपा जी, क्या भाई, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और दोनों बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। यार एक शिकायत रहेगी क्या आपको? क्या कह रहे हैं कि तुमने वीरेंद्र सहवाग की तारीफ तो इतनी कर दी, उनके लिए सिर्फ बल्लेबाज और फील्डर बोला। नहीं, मेरी तारीफ ज्यादा करी आपने, आपने कहा बल्लेबाज फील्डर चीता तो वो इसको दुख हो रहा है, मुझे दुख नहीं हुआ। पाजी, लॉकडाउन में जब सारा मतलब डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं थी, ये वो, कुछ तो करना ही पड़ा होगा आपको, घर के काम तो सबने किए। सोया हूँ। अच्छा, वैसे मैं खेलते वक्त 12 घंटे सोता था जी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो वो 15-18 घंटे हो गए। बाप रे। और आप क्या भाई? मेरे घर में सिर्फ मैं, मेरी बीवी और दो बच्चे, कोई मेड नहीं, कोई हेल्प नहीं, सारा काम खुद किया। ये तो भाई बादशाह है, शाहिन शाहिन के पास 10 लोग होते हैं घर में काम करने वाले, हमारे पास कोई नहीं था। मैं यार, मैं नवाब ऑफ नजफगढ़ हूं, मुल्तान का सुल्तान हूं, मैं काम करूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है कैब भाई और वीरू पाजी का। आइए, आपको हमारा गांव का सेटअप कैसा लगा पाजी? तरक्की हो गई है वैसे। तरक्की हो गई है, एटीएम भी है पाजी यहाँ पे। मेरी इनवॉइस का कैश यहीं से आएगा। और हमें दे भी सकते हैं आप पैसे निकलवा के, और अगर आप लेट हो जाएं तो होटल चिल पैलेस में रुक सकते हैं आप, ये देखिए। बट एक चीज तो पक्की है कि जी, दो बंदे अगर बुलाएं तो आप मना नहीं कर सकते। एक कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन, और एक कपिल। लव यू पाजी, थैंक यू। वीरू पाजी तो बहुत बार हमारे शो पे आ चुके हैं, कैफ भाई हमारे शो पे पहली बार आए हैं जी। जी 2013 से चल रहा है ये शो जी। तो आपको रास्ता नहीं मालूम था कि आपको किसी ने बताया नहीं कि आप बहुत पॉपुलर हैं, आप आ सकते हैं? जब इनका शो हिट नहीं हुआ था तब से मैं इनको जानता हूँ। अच्छा। हिट होने के एक बार मिले, फ्लाइट में मिले, बस में मिले, हाय हेलो हुई, कभी बुलाया नहीं शो पे। गलत आदमी से पंगा ले लिया, गलत आदमी से पंगा ले लिया। पर एक बार बताऊं, अभी IPL UAE में था, लास्ट वाला IPL, तो इनके वजह से मैं कितनी बार लेट हो गया। सुबह मेरी मीटिंग होती थी, मैं कोच हूँ दिल्ली कैपिटल्स का, तो वहाँ ब्रेकफास्ट मीटिंग। तो रिकी पॉन्टिंग क्या है अगर तू कोच है तो? वो भी कोच है, हम भी कोच है। ब्रेकफास्ट मीटिंग, इनका शो आता है दुबई में शायद 3:30-4 बजे मॉर्निंग में आता है। तो मैं चैनल शफल कर रहा हूँ, इनका शो आ गया। अब वहाँ बैठ गया बंदा देखने, 4:30-5:30 सुबह उठते उठते मैं कितनी बार लेट हो गया इनके चक्कर में। अरे क्या बात है, थैंक यू। लेट कराया मीटिंग में। कैफ को छेड़ना नहीं चाहिए, जब कैफ को छेड़ा ना पूरी भड़ास निकाली इसने। एक्चुअली मैं अभी बैकस्टेज पाजी से पूछ रहा था, कैफ भाई से, मैंने कहा शोएब अख्तर जो है पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े नामचीन और पॉपुलर बॉलर है, और इतना फास्ट बॉल फेंकते हैं कि ज्यादातर बैट्समैन क्या करते हैं, बैक फुट पे आके खेलते हैं। एक बार मैंने एक मैच देखा, वो बॉल लेके भागे, इधर से ये बैट लेके भागना शुरू हो गए, और उसके बाद उन्होंने शायद बॉल डाली नहीं थी, वो क्या किस्सा था भाई वो? नहीं, वो थोड़ी उनकी मुझे बेइज्जती करनी थी, बेइज्जती। क्योंकि वो नामचीन गेंदबाज, उनका रन अप इतना लंबा, सहवाग ने बहुत छक्के मारे, हमें मौका कम मिला खेलने का। तो वो जब आए तो मैं भी वॉक कर गया, वो बॉलिंग ने रोक दी, करी नहीं। उतना ही करना था मुझे बस। मुझे मालूम था मैं आगे जाऊंगा ये बंदा रुक जाएगा, बॉलिंग करेगा नहीं, तो वही मेरा प्लान था। और कामयाब होकर इनकी थोड़ा बेइज्जती करता हूँ पाकिस्तान में जाके। वीरू पाजी, आपका ट्वीट मैं पढ़ रहा था एक दिन, इनके ट्वीट इतने मजेदार होते हैं ना। मैं एक दिन ट्वीट देख रहा था वीरू पाजी की, उन्होंने लिखा कि मेरा फोन जो है शॉवर में गिर गया। तो बाथरूम में क्यों लेके जाते फोन, किससे बात करते हो आप बाथरूम में जाके? यार उस पे जो मैंने नंबर दिया तूने उसकी बात नहीं की, फोन की बात। आई थिंक वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी मेरी। अच्छा, कि लोग ये सोचेंगे कि मेरा फोन गिर गया है तो फोन नंबर पे कॉल करेंगे, और जैसे ही वो कॉल कर देते तो मेरा एक मैसेज आता था। अच्छा। आपका स्वागत है VS ब्रांड में। वीरू पाजी, जैसे आप टीम में जब खेल रहे होते हैं तो कुछ आपके सीनियर्स होते हैं, कुछ आपके जूनियर्स होते हैं, कुछ आपके जोटीदार बन जाते हैं, खास यार दोस्त, जिनके साथ आप खुल जाते हो, पार्टी वार्टी करते हो अपनी, है ना? तो ये आप दोनों के कौन थे ऐसे जोड़ीदार टीम में? हम दोनों तो नहीं थे। ये ओपनर मैं नंबर 7। वही देखा, हम दोनों थे। बहुत दूर दूर से कोई नाता नहीं है। नहीं, बट कैफ ने जब 2002 में वो नेटवर्क फाइनल जिताया था, उसके बाद से हाथ कहाँ आए हमारे।
अच्छा सुबह ब्रेकफास्ट में गुड मॉर्निंग करते थे, पूरा दिन कहाँ रहते थे पता ही नहीं चलता था। अगले दिन प्रैक्टिस में नजर आते, तो पार्टियां तो इन्होंने की है। अच्छा। मैं तो अपने टाइम पे सो जाता था। आप वीरूपा जी पार्टी वार्टी नहीं करते ज्यादा ना? बिल्कुल नहीं। इतना सोने का शौक है, पार्टी करने के लिए आपको जागना पड़ेगा 11, 12, 1, 2, 3 ये 11 बजे बेड पे, तो पार्टी हम युवराज भज्जी। पर मैच से एक रात पहले तो नहीं कभी पार्टी करते होंगे? इनका बस चलता है तो मैच वाले दिन भी पार्टी करके आते, क्योंकि इन्होंने कौन सा सुबह उठ के बैटिंग करनी है। हाँ पहले तो हमने ही जाना है ना। हाँ बिल्कुल, तो जिसने पहले जाना है उसका सोना जरूरी है। हाँ वरना उसकी आंख नहीं खुलेगी। तो ये आराम से मस्त आते थे। नहीं मैच से पहले नहीं, मैच से पहले, मैच से पहले बैठ। नहीं ये तो है ऐसे नहीं, हमारी इंडियन टीम जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा हमने किस्सा सुना है कि वीरू पाजी जब भी ड्रेसिंग रूम में होते थे ना कुछ हंसी मजाक ये वो बोलते रहते थे, तो सचिन सर इनको ना उठा के केले दे देते थे कि खा लो, जब तक केले खाएंगे थोड़ी देर तो चुप रहेंगे। चुप रहेंगे। तो आपको अगर लाइफ में ऐसे किसी को केला खाने को देना हो किसको देना चाहेंगे आप? तो वापस दे दे। वापस? वापस भी ले लिया, क्योंकि अगर तू केला खाएगा ना तो ये शो बंद हो जाएगा। तू बोलता रहा कि देर से तो ये शो चलता है। बट ये सच्ची कहानी है, क्योंकि जब मैं तेंदुलकर के बगल में बैठा होता था तो मैं बोलता था यार ये तो चौका मिस हो गया, यार ये तो चौका मार सकते स्टेप आउट करके, ये क्या बोरिंग है, मैं टक टक कर रहे हैं रोक के जा रहे हैं, तो फिर वो उठा के केला देते थे। अच्छा। थोड़ी देर तो केला खाएगा तो चुप रहेगा, बोलेगा नहीं कुछ। तेंदुलकर केला दे यार आप ना खाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है, है ना, कि जैसे कपिल शर्मा बुलाए यार आप ना आओ। अच्छा जैसे वीरू पाजी कह रहे हैं कि मैं बोलता रहता था कि यार यार ये सिक्सर हो सकता था या इसमें चार मार सकते थे, ये तो चलो धुरंधर है, खुद इनको पता है, खुद क्रिकेटर है। हमारे देश में तो हर आदमी बैठा होता ना जब मैच देखने, जिसको कोई लेना देना ही नहीं, जो कभी ग्राउंड में सैर करने भी नहीं गया, वो भी बोलते हैं ये हो सकता है, अरे गलत खेल गया। और खुद उनका को क्रिकेट से लेना, ऐसे भी होते हैं। अच्छा वीरू पाजी आपने ज्यादातर तो हमेशा ओपनिंग ही करी है, कभी ऐसा हुआ कभी कभी सचिन सर ने आपको बोला हो कि वीरू आज मैं ओपनिंग करता हूँ तू सामने खड़ा हो जा, ऐसा कभी हुआ है? आज तक तो हुआ नहीं है। अच्छा अभी भी इंतजार करो, अभी हम रोड सेफ्टी एक टूर्नामेंट खेले थे। अच्छा वहाँ भी कह रहे कि मैं स्ट्राइक नहीं लूंगा, मैंने कहा अब तो नंबर दो नंबर एक सब बराबर है आप ले लो। तो उस समय कहते थे नहीं मेरा नंबर एक पे इतना अच्छा नहीं जमता है तो मैं नंबर दो पे रहूंगा। वाह सचिन पाजी वहाँ भी हमें ऑन टोज रखा हुआ है कि भाई मैं कप्तान हूँ जीतना है। मीटिंग में बिल्कुल प्लानिंग के तहत कि इसको ऐसे आउट करना है, उसकी कमजोरी ये है, तो बिल्कुल तैयारी से प्लानिंग के साथ कि जीतना है हारना नहीं है। अच्छा ये स्ट्रेटजी भी बड़ी कमाल की चीज है कि ये प्लेयर की ये कमजोरी है और हमें ऐसे गेंद डालनी है या ऐसे फील्डिंग करनी है। ऐसा नहीं होता ना कि किसी का वीडियो ही दिखा दो कि देख शोएब तेरा वीडियो है आउट हो जा पहले गेम। एक बार मुझे याद है शोएब अख्तर साहब आए हमारे शो पे, तो कहते हैं हम मस्ती मजाक कर रहे थे होटल में ऐसे ही, तो मैंने सचिन सर को ऐसे पकड़ा और ऐसे पलटी मार दी, तो उनको लगा वो मेरा कुछ लग गई, कहते मैं डर गया, मुझे लगा अब क्या होगा, इंडिया में तो उनको भगवान मानते हैं, मुझे तो मार देंगे ये लोग। और वाकई मतलब लोग इतना प्यार करते हैं क्रिकेट से और आप सब लोगों से। किसकी बॉलिंग फेस करते हुए डर लगता था? सबसे ज्यादा डर अगर किसी के बारे में सोचा मैंने वो मुरलीधरन होते। अच्छा। हाँ स्पिनर थे, क्योंकि उनकी बॉल मुझे समझ में नहीं आती थी कितनी घूमेगी कौन सी बाहर जाएगी। अच्छा। उसके बाद अगर दूसरा किसी से डर लगा तो वो शोएब अख्तर थे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं कौन सी मुंह पे मारेंगे कौन सी जूते पे मारेंगे। एक मुरली से डरे और एक बार डोमेस्टिक क्रिकेट में मोहम्मद कैफ ने उनको आउट किया। हाँ ये बात, बॉल मार दिया मैंने इनको ऐसे। भाई साहब अपनी तारीफ खुद क्यों कर रहे हो, मैं हम हैं हम कर देंगे, मैं करूं तारीफ। हम लोग एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे थे, वो चैलेंजर ट्रॉफी होती है, तो उसमें इंडिया ए इंडिया बी इंडिया सी तीन टीमें बनती है। अच्छा। तो मैं शायद इंडिया बी में था जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान थे और सी से हमारा मैच था जिसमें मोहम्मद कैफ खेल रहे थे, तो अहमदाबाद में वो मैच था। तो मैं बहुत फास्ट बॉलिंग को खूब तड़ी दी और भाई साहब बॉलिंग करने आए तो एक उनका एक्शन बहुत बढ़िया, वो डांस स्टेप होता ना वैसे इनका एक्शन था, एक हाथ ऊपर एक पैर इधर फिर एक हाथ ऊपर और फिर ऐसे करके बॉल फेंक, तो मुझे लगा यार ऑफ स्पिनर कोई बॉलर थोड़ा था, मैंने पैर निकाला और कवर ड्राइव देने की कोशिश की, वो बॉल इतनी लंबी घूमी और वहाँ से सीधा विकेट में लगी। तो मैं मतलब मेरा जाना दुर्भर हो गया वहाँ से, ये मुझे पकड़ के लेके गए हैं
क्या हो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें ड्रेसिंग रूम तक। ड्रेसिंग रूम में छोड़ा इन्होंने मुझे अंदर, मोहम्मद अतरुद्दीन बैठे हुए। एक्चुअली एक्सपेक्ट ही ना किया हो आपने, अपना यार दोस्त आके बोल ये क्या किया कि यार कैफ से आउट हो गए तुम। हरभजन सिंह ने मुझे कहा कि भाई इतनी पिटाई तुमने हमारी की, यार तुम कैफ से आउट हो गए। मतलब जो बंदा मिला मुझे उसने मुझे चिढ़ाया। तो बट कभी कभी होता है, बिल्कुल वो कहते ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। वो वाला काम था। किसी को लाइफ में हल्के में नहीं देना चाहिए, कोई भी गेंदबाज हो आए सामने उसको सम्मान रिस्पेक्ट देना चाहिए। उस दिन के बाद से मुझे पता चल गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।